कार्यालय को जाए और आपको टिकट मिली है, किस तरह का माहौल है और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति में? बहुत ही शानदार माहौल है जी, जैसा कि आप देख रहे हो इलाके के विभिन्न गांवों से लोग पहुंचे हैं, जोश में है, लोग बदलाव चाहते हैं, पुरानी राजनीति को छोड़कर नई राजनीति की तरफ लोग बढ़ना चाहते हैं, तो बड़ा बढ़िया माहौल है, लोगों में पूरा जोश। क्या क्या मुद्दे क्या क्या है फतेहाबाद विधानसभा के, लोग क्या आपको बता रहे हैं कि मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? अनेक मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है, नशे का है, सेम की समस्या है, शहर के अंदर प्रॉपर्टी आईटी, शहर के अंदर जल भराव, ऐसी अनेक समस्याएं हैं। और जो इनके अलावा जो जुए का, सट्टे का, नशे का कारोबार दिनों दिन फूल रहा है और उसमें बड़े बड़े नेता सहयोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का आम आदमी पार्टी ने हमेशा काम किया है। ये अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए किसानों की अनेक समस्याएं हैं, नौजवान साथी बेरोजगार है, किसान का मेरी कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है, दिनों दिन चोरियां बढ़ रही है, डकैतियां हो रही है, शहरों के अंदर चोरियां हो रही है, व्यापारी भाई अपने आप को सेफ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, धंधे कमजोर पड़ गए हैं, मंडियां कमजोर पड़ गई हैं, इलाके की रोजगार की समस्या आ गई है, अनेक मुद्दे हैं ऐसे जिन पर हम चुनाव में मुख्य विषय रखेंगे। और हमारी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियां दी गई है, वो हम मुख्यतः चुनाव में हमारा मुद्दा रहेगा, बिजली की, पानी की, बिजली फ्री देने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार करने की, रोजगार की और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की, जो 5 गारंटियां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से दी जा रही है, वो हमारे मुख्य मुद्दे साथ में। तो किस पार्टी के साथ, किस कैंडिडेट के साथ आपका मुकाबला मानते हैं जी? हम तो ये मानते हैं कि अच्छी राजनीति और बुरी राजनीति का आपस में मुकाबला है। जो कांग्रेस और बीजेपी से उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार वो राजनीति कर रहे हैं जो पुराने समय से एक ढर्रा चल रहा है, तो लोगों को बुला लिया, चाय पानी पिला दिया, उसके बाद में ना तो काम करना है, चुनाव में एक बार रुपया लगाओ, 5 साल वो रुपए कमाओ। और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो एक राजनीति है समाज को सुधारने की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन चीजों की, जो सबसे मूलभूत जरूरत है लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुविधाएं सुधारने की। और जो लोग हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी के जो उम्मीदवार है, वो दोनों उम्मीदवार भ्रष्टाचार के अनेक आरोप है उनके ऊपर, और उनके आसपास जो आजू बाजू लोग बैठते हैं, आप गौर करके देखना, आप पत्रकार साथी हैं, आपको इन चीजों का ध्यान भी है, उन लोग किस प्रकार के लोग हैं। आज हमें ये कोई नहीं कह सकता आम आदमी पार्टी के, चाहे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे लक्ष्य भाई ने चुनाव लड़ा है, चाहे कोई और भी हमारा पार्टी से जुड़ा हुआ सदस्य है, कोई नहीं कह सकता कि हमारे साथ कोई सट्टा खेलने वाला व्यक्ति बैठा है, हमारे पास कोई नशा बेचने वाला व्यक्ति बैठा है, हमारे पास कोई 2 नंबर के काम करने वाला व्यक्ति बैठा है। तो हमारी लड़ाई तो अच्छे लोग और बुरे लोगों की लड़ाई है, लोग अच्छी राजनीति को चुनेंगे या बुरी राजनीति को, वो लोगों को तय करना है। भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से है, 5 साल से फतेहाबाद का विधायक सत्ता में है, सरकार का लोगो था कि सबका साथ सबका विकास, उस विकास को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ जी कि भाजपा की जो सरकार है, उस सरकार ने 5 साल आम आदमी को लूटने का काम किया है। आम आदमी के जो मुद्दे थे उसकी सरकार ने सुनवाई नहीं की, बच्चे नौकरियों के लिए पेपर लीक हो गया, कभी पेपर कैंसिल हो गया, बच्चे धक्के खा रहे हैं, इतने सालों से पढ़ाई के खर्चे लगे हैं उनके, वो बेचारे बच्चे घूम रहे हैं, किसानों की सुनवाई नहीं हुई, हमारे भट्टू धरना चला था 70 दिन तक सेम की समस्या का, यहाँ के विधायक ने उस धरने के दौरान अपना जन्मदिन मनाया, केक काटा, परंतु कभी उस धरने में आके किसानों की सुनी नहीं। और जो भाजपा की 5 साल की नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, और लोग उनसे तंग आ चुके हैं, व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी वर्ग बहुत ज्यादा नाराज है, और ये चीजें भाजपा की सरकार में हुई है, तो इसलिए भाजपा का जो सफाया तय है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो जी, वो उम्मीदवार कांग्रेस के नहीं, 5 पार्टियों में जा चुके हैं और 5ों पार्टियों में जाकर और लास्ट में अंत में कांग्रेस में रुके हैं वो, तो वो उम्मीदवार क्या मुकाबला करेंगे? जो उम्मीदवार दर दर भटक कर आज कांग्रेस की टिकट लेके बैठे हैं वो कितनी पार्टियों में जा चुके हैं? इसका मतलब तो स्वार्थ की राजनीति, एक पार्टी की टिकट ना मिली, दूसरी की, दूसरी ना मिली, तीसरी की, उनको हम मुकाबले में मानते नहीं है कि वो लोग जिन पे आरोप हो नशे के, जिन पे आरोप हो ठेकियों के, जिन पे आरोप हो लोगों को बरगलाने के, जमीनों के कब्जे के, वो लोग क्या मुकाबला करेंगे?
लेकर तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या लोग समस्याएं बता रहे हैं, ऐसा बड़ी अच्छी रुझान जबरदस्त है, लोग सारे समझते हैं आज के समय में क्या सच है क्या झूठ है। आम आदमी पार्टी तो देसी की है, कैंडिडेट भी देसी की है, पार्टी भी देसी की है, सच्चाई यही है। तो ये बात लोग समझ रहे हैं और मुद्दे अभी कमल भाई ने बताए हैं आपको, तो वो सारे मुद्दे तो बहुत सारे हैं। फतेहाबाद अब उलझ चुका है, इन पुराने नेताओं की राजनीति में उलझ चुका है, तुड़ाराम की राजनीति में उलझ चुका है, इनकी अपनी भाई हमारा घर कैसे भरे, हमारा सिस्टम कैसे चले, उस चीज में उलझ चुका है। चाहे हम फतेहाबाद की नगर परिषद की बात कर ले जो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, चाहे पानी भराव की समस्या और इस तरीके की सारी समस्याएं हैं, सट्टे का खेल है सारा और नशा और क्राइम फतेहाबाद में बढ़ चुका है, तो इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं और इनका सलूशन है सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। बाकी तो सारा का सारा ये सत्ता से पैसे और पैसे से सत्ता का खेल है, खुद के स्वार्थ का खेल है। अगर सच्चाई और सच्ची राजनीति है तो आम आदमी पार्टी।